बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मनी सेविंग्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली तमाम जितने भी बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि नादरा की जानब से अब उनका मसला जो है वो हल कर दिया गया है। जी हाँ, नेशनल सेविंग्स के तमाम होल्डर्स और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आपकी रकूम पड़ी हुई हैं, जिनको ट्रांजेक्शन करने में मसला पेश आ रहा था, और मसला कहाँ पर पेश आता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वीडियो क्लिप भी आपके साथ मुलाहजा करने के लिए शेयर करूंगा ताकि आप वो वीडियो क्लिप मुलाहजा करें और अपने नॉलेज में इजाफा कर लें। अच्छा, चलते हैं जी अपने टॉपिक की जानब। आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी वो बुजुर्ग शहरी हैं, जितने भी वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हैं या जो बुजुर्ग शहरी हैं और उनको रकूम की वसूली के लिए या किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होती थी, तो वहां पर उनके बैंक में क्या प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि उनके थंब जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते थे, उनके थंब जो है वो वेरीफाइड नहीं होते थे, तो इस वजह से उनको काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अभी नादरा की जानब से एक बहुत ही अच्छी सर्विस शुरू कर दी गई है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप चाहे नेशनल सेविंग्स होल्डर्स हैं या पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, रकूम की वसूली के लिए किसी भी किस्म की परेशानी का सामना आपको करना पड़ता था, तो नादरा ने अब जो है वो नादरा तस्दीक के नाम से एक बाकायदा तौर पर एक सहूलत आपको दे दी है कि आप अपने बैंक में ही जा के बाकायदा अपने थम्स को वेरीफाई करवा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो अपनी तमाम रकूम की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लिप को मुलाहिजा कीजिए, अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पाकिस्तानियों की मुआवनत के लिए एक और संगे मील तस्दीक सर्विस। अगर आप पाकिस्तानी शहरी है और अपनी रकूमात की वसूली के लिए आपके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुश्किल है तो अब नादरा की तस्दीक सर्विस की मदद से आपके कवायद की तस्दीक मुमकिन है। तस्दीक सर्विस की मदद से वेरिफिकेशन के लिए अपने बैंक में जाकर बायोमेट्रिक मशीन पर 3 मरतबा अंगूठे को दबाएं। वेरिफिकेशन ना होने की सूरत में कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलने वाले यूआरएल में मौजूद 2 खुफिया सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जवाब गलत होने की सूरत में बैंक मैनेजर 2 मजीद खुफिया सवाल पूछेगा। इसके बाद बैंक मैनेजर आपसे कौमी शनाख्ती कार्ड तलब करेगा। अगर आपके जवाब और कौमी शनाख्ती कार्ड की कवायद दुरुस्त हुए तो बैंक मैनेजर की जानिब से तस्दीक कर दी जाएगी। नादरा, हर कदम आपके साथ।